पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमआईटी के सभागार में 70वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल और गेस्ट ऑफ ऑनर धनंजय भारद्वाज मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान से हुई, तो वहीं एक सभा और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ से स्वागत कर की गई, तो वहीं स्वागत गान से छात्र छात्राओं द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार रखे और गणतंत्र दिवस के महत्व को समझाया। मेरा परम सौभाग्य है कि इतने आदरणीय शिक्षित गुरुओं के बीच, इतने अच्छे विद्यार्थियों के बीच आज मुझे मुख्य अतिथि का दर्जा मिला है। मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप सबका अभिनंदन और आभार करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के मान सम्मान किया है। स्नेह में ताकत है समट को झुकाने की, नहीं तो सुदामा की क्या औकात थी श्री कृष्ण से पैर ढुलवाने की। भारत की सभ्यता है, भारत का मान है, भारत का सम्मान है। एक दादी ने अपना पोता, एक माँ ने अपना बेटा इस स्कूल को अर्पण किया और इस कॉलेज ने उसको पूरे भारत माँ का बेटा बनाया। इससे बड़ा क्या सम्मान हुआ। किसी ने पूछा कि भाई आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैंने उनको कहा मैं जब चाइना के पीएम से मिला तो मैंने उनसे पूछा हाउ आर यू, उन्होंने कहा चू 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 चू। मैंने कहा सर यू आर ओके, उन्होंने कहा चू चू चू। मैंने दुर्भाषी से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये कह रहे हैं मैं इंग्लिश भी जानता हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत का वासी हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, ये मेरा गर्व है, मेरा अहंकार। MIT एक बहुत अच्छा विद्यालय है। मैं ये वायदा करता हूँ एक्सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से, 3000 हमारे मेंबर हैं, 8 लाख कारीगरों का हमारा नाता है, 8000 करोड़ की हम इस शहर से एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष की एक्सपोर्ट का 25% और यूपी की एक्सपोर्ट का 53%। आप गौरवान्वित हैं कि किस देश से, किस प्रदेश से आप विदेश यात्रा करते हैं। हमारी इंडस्ट्री से हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों को किसी भी हाउस में, किसी भी एक्सपोर्ट हाउस में कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ बनाने के लिए जहां भी उनकी जो आवश्यकता होगी, महासचिव के तौर पे मैं वायदा करता हूं आप सबको उसमें प्रवेश इस तरीके से मिलेगा जैसे आप उस सबके मालिक हैं। क्या है, मेरी कोई बच्ची नहीं थी तो मैंने ये गोद लेने का एक अहंकार किया था कि मैं 500 बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह का खर्चा उठाऊंगा अपनी। इस कड़ी में मैं आज सिर्फ 75 बच्चियां कर पाया हूं, अभी 425 बच्चियां बकाया है। आप सब लोग सहयोग की भावना से आगे बढ़े। 26 जनवरी प्रतिदिन है, प्रति पल है, जब हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, अपने गली के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, उस पर हम ये सोच लें कि आज 26 जनवरी। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भारती को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो वहीं बच्चों के द्वारा भी सुंदर कार्यक्रम और सुंदर भाषण प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की सभी ने जमकर तारीफ की और उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य को सभी के सामने प्रस्तुत किया गया। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने सर्वप्रथम सभी का आभार जताया, उसके बाद सभी को अपने ओजस्वी भाषण से तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। I am lucky that I am getting a chance to speak to my gurus. Nothing gives a student more pride, honor, happiness to be back as a guest in his own college. Thank you, sir, for giving me this job. राम ही है करुणा में, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम भक्तों के नहीं शत्रु के भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है,
राम मेरे मन में है. We live in a country where these lines are written not by a Hindu but by a Muslim writer. We live in a country, the best president that we all consider, the favorite president that has happened in the history of our country, after whose honorable name we have a university, is a Muslim. And we happen to be a country which is not actually, majority of the religion is not Muslim. We live in a country where a Christian lady denies the post of the Prime Minister because of her own reasons, and a Sikh takes on the role of Prime Minister. That is the beauty of our nation. That is why we are a republic. That is why we make it and we call it a celebration of our 26th January. That is an eventful day. Today is 70th Republic Day of our country. This is the day to celebrate and honor our nation. This is the day to remember the sacrifice of our great freedom fighters whose efforts gave us independence and created our republic. Our great freedom fighters have struggled a lot for their future generation. So we should never forget their sacrifice and salute them for their great deeds. To share my views on Republic Day with all of us. Today we have come a long way in the path of free India. We have proved ourselves worthy of freedom. We are considered as the largest democracy in the world. We are proud of it and feel very happy about all these positive aspects. आप सबको आज बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ. और बस मैं तो अभी ये बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन थोड़ा सा यही बताना चाहूँगा कि ये जो आज के हमारे अवधेश जी हैं, मुख्य अतिथि, मुरादाबाद से करीब 8000 करोड़ का एक्सपोर्ट है एक साल में, और 800 करोड़ रुपया हमारा GST में एक्सपोर्टर्स का रुका हुआ था, जो अवधेश जी के प्रयास से मिलना शुरू हो गया. और मैं समझता हूँ मोर देन 50-60% मिल चुका होगा. तो ऐसे युवा और ये जो कमान थी एक्सपोर्ट की 20 साल से कुछ और लोगों के पास थी, इन्होंने किस तरह से उसको छीना है ये नहीं पता है, बताएंगे शायद कुछ कि किस तरह से उसमें कब्जा करा और कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि 8000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट है इनके प्रयास से ये जस्ट डबल हो जाएगी. तो ये लगेगा कि हाँ, कोई नया युवा सेक्रेटरी हमारी एसोसिएशन को मिला है. और एक मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट को किस तरह से एक्सपोर्ट एसोसिएशन से जुड़वा सकते हैं, या हमारे स्टूडेंट को किस तरह से बेनिफिट हो सकता है आपकी इंडस्ट्रीज में, तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा. अतिथि महोदय, आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत बढ़िया वर्ष आने वाला है. 23 साल के बाद 24वां वर्ष आएगा. हम हर साल ही कोशिश करते हैं, कम से कम मैं अपनी बातचीत का जो मुझे 5 मिनट मिलते हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि 26 तारीख को हम ये प्लान करें कि हम इस बार क्या अचीव करने वाले हैं, और 15 अगस्त को हम ये अनाउंस करें कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है. विश्वास करिए, ये शत नमन हमारी की गलती वाला अभियान चलता रहेगा. हम ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे. हम अपने आप को यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए तो हम लोग से बात करना, हमने कोशिश भी नहीं करी, हमारा इरादा भी नहीं था, लेकिन हम अपने आप को ऐसा इंस्टीट्यूट बना पाए जिसमें हम देश भर में 100 में गिने जा सकें, हम देश भर में 50 में अगली बार गिने जा सकें. हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के बारे में सोचें और उस पर जो भी हम अच्छा कर सकते हैं उसको करने का प्रयत्न करें. दो विचार मेरे सामने हैं जो आज की परिस्थितियाँ हैं, और जैसा साक्षी ने बताया आपके सामने कि बहुत सारी कमियाँ हैं हमारे देश में, बहुत सारे परेशानियाँ हमें महसूस हो रही हैं, उन सब का इलाज केवल एक है और वो है जनसंख्या संतुलन. जिस तेजी से जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, किस तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, उस तेजी से हमारे संसाधन नहीं बढ़ सकते, ये संभव नहीं है. तो नेचुरली क्या होगा कि आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद यहाँ पर मारामारी हो जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा. अगर हम आज नहीं संभले तो हम फिर कभी नहीं संभल पाएंगे. गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है, हमें एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश मजबूत होता है और सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है, तो उनके शब्दों में दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वो है पिता, माता और गुरु. दोस्तों,
कल जो खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज, आज के लिए बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। इसने दोस्तों हंसिए और दूसरों को मुस्कुराने का मौका दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।